इस कहानी को डेविड ब्रेकनल्स नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। कहानी में हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपने एक दोस्त की याद में हाइकिंग के लिए स्वीडन आते हैं, जहां एक क्रिएचर उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। अब वो क्रिएचर कौन है, इन्हें क्यों मार रहा है और क्या इनमें से कोई जिंदा बच पाएगा, ये सब आपको इस कहानी को देखकर ही पता चलेगा। हॉलीवुड से स्क्रीन प्रेजेंटिंग द रिचुअल। कहानी की शुरुआत में हमें पांच दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम ल्यूक, फिल, हच, टॉम और रॉब है। ये सब कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिस पर रॉबर्ट हाइकिंग के लिए स्वीडन जाने को कहता है। किसी को भी उसका प्लान पसंद नहीं आता, जिसके बाद ल्यूक वाइन खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है। रॉब भी उसके साथ वहां पर जाता है। इन्हें उस वाइन शॉप की ओनर काफी पिटी हुई दिखती है। इतने में ही शॉप के रूम से दो चोर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर ल्यूक रॉब को छोड़कर वहीं छुप जाता है, पर रॉब वहीं खड़ा रह जाता है। वो चोर रॉब से उसका वॉलेट, घड़ी और उसकी वेडिंग रिंग मांगते हैं, जिस पर रॉब उन्हें अपने वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है, जिसके लिए वो चोर रॉब को चाकू से बार बार मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इस हमले से रॉब की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद हम 6 महीने आगे का सीन देखते हैं, जहां ल्यूक अपने उन्हीं 3 दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए स्वीडन आया है। ये सब रॉब की याद में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो यहाँ आना चाहता था। ल्यूक अब भी कहीं ना कहीं रॉब की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता है, क्योंकि अगर वो उस दिन उन चोरों पर हमला करता तो शायद वो रॉब को ना मारते। ये चारों एक पहाड़ी पर जाकर रॉब का मेमोरियल बनाते हैं और उसको याद करते हैं। पहाड़ से नीचे आते वक्त डॉम का एंकल ट्विस्ट हो जाता है, जिससे उसे चलने में काफी दर्द होता है। इस चीज को देखकर हच मैप में एक शॉर्टकट रास्ते को ढूंढ लेता है, जो सीधा यहाँ के जंगल से होता हुआ उन्हें फॉरन रोड पर ले आएगा। ल्यूक जंगल में जाने को मना करता है, लेकिन सब लोग इसके लिए मान जाते हैं और उनके इंसिस्ट करने पर ल्यूक को भी उनके साथ ही जाना पड़ता है। जंगल में जाते ही इन्हें पेड़ों पर एक हिरन लटका हुआ मिलता है, जिसका किसी ने बड़ी बेरहमी से शिकार किया है। उस हिरन का पूरा पेट फटा हुआ है, जिसमें से अभी भी खून बह रहा है। खून को बहता हुआ देख सब समझ जाते हैं कि इसका शिकार अभी अभी किया गया है, यानी हमें यहाँ से जल्द ही आगे जाना चाहिए। इस जगह के पेड़ भी थोड़े अजीब थे, क्योंकि उनके ऊपर अजीब सी नुकीली टहनियां निकली हुई हैं। ल्यूक इस चीज से थोड़ा हैरान था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हिरन को मारकर पेड़ पर इतना ऊपर लटका सकता है, पर इस चीज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए ये सब आगे बढ़ते हैं। और कुछ देर में यहाँ रात भी हो जाती है, जिसके साथ बारिश भी होने लगी थी। इन सभी को यहाँ के पेड़ों पर कुछ अजीब से पुराने जमाने के निशान बने हुए दिखते हैं। वहीं उन पेड़ों के सामने ही इन्हें एक केबिन भी दिखाई देता है। बारिश की वजह से सब उसमें जाने का सोचते हैं। डॉम इस केबिन में जाने को मना करता है। वो कहता है कि हमें ऐसे ही किसी भी केबिन में नहीं जाना चाहिए, क्या पता है किसका हो, पर सबके साथ उसे भी अंदर जाना पड़ता है। इतने में ही ल्यूक को जंगल से किसी जानवर की आवाज आती है। सबको लगता है कि ल्यूक उनको डरा रहा है, इसलिए कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। इन्हें इस केबिन के अंदर भी उन पेड़ों वाले निशान के कुछ लॉकेट लटके हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद हच सबसे लकड़ी ढूंढने को कहता है ताकि वो यहाँ आग जला सके। फिल लकड़ियों के लिए केबिन के ऊपर वाले रूम में जाता है और उसे वहाँ पर बहुत अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो सबको ऊपर बुलाता है, वो सब भी उस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिल सबसे कहता है कि ये विचक्राफ्ट है, शायद जो भी पहले यहाँ रहता था वो विचक्राफ्ट किया करता था। सब इस चीज को देखकर डर जाते हैं, लेकिन रात का वक्त है और बारिश भी बहुत तेज है, इसीलिए इन सबको अब यहीं पर रुकना पड़ेगा। रात में सोते वक्त ल्यूक को बाहर से एक रोशनी आते हुए नजर आती है। ल्यूक केबिन का डोर खोलकर बाहर जाता है तो वो उसी वाइन शॉप में पहुंच जाता है जहां उसके दोस्त रॉब का खून हुआ था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। तभी ल्यूक को एक जोर का झटका लगता है और हम उसे अपने सपने से उठता हुआ देखते हैं। वो अपने आप को केबिन से बाहर जंगल में पाता है। उसे अपने सीने पर चोट लगी मिलती है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसके सीने पर अपनी 5 उंगलियां घुसा दी हो। ल्यूक को केबिन के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि हच और डॉम दोनों ही उसकी तरह बुरे सपने में है। डॉम जोर जोर से अपनी वाइफ का नाम पुकार रहा है। ये उन दोनों को होश मिलाता है और देखता है कि फिल तो यहाँ है ही नहीं। वो उसको ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, जहाँ वो देखता है कि फिल उस विचक्राफ्ट पुतले के आगे नेकेड होकर उसकी पूजा कर रहा है। ल्यूक जल्दी से उसको भी होश में ले आता है। ये चारों फौरन अपना सामान उठाकर केबिन से बाहर आ जाते हैं और जो भी रात उनके साथ हुआ उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। लेकिन सबकी हालत खराब है। सभी लोग जंगल को पार करने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाने की सोचते हैं, पर डॉम को जंगल में एक रास्ता बना हुआ दिखाई देता है। वो सबसे कहता है कि जहाँ रास्ता है वहाँ लोग भी जरूर होंगे, जिसके बाद ये चारों
उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ल्यूक भागकर काफी ऊंचाई पर जाता है ताकि वहां से उसे कुछ दिख सके, लेकिन तभी वहां पर उसको एक क्रिएचर जैसा कुछ दिखता है जो काफी लंबा है और उसके हाथ किसी इंसान की तरह थे। वो फौरन वहां से भागता हुआ अपने दोस्त के पास आता है और उनको उस क्रिएचर के बारे में बताने लगता है, पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए ल्यूक अपने सीने पर लगी हुई उस चोट को दिखाता है, जिस पर डॉम बोलता है कि ये तुमको किसी पेड़ से लग गई होगी जब तुम रात नींद में बाहर आए थे। डॉम से ये सारी चीजें अब हैंडल नहीं हो रही थी, इसलिए वो इन सारी चीजों के लिए ल्यूक को जिम्मेदार ठहराने लगता है कि अगर वो उस दिन वाइन की शॉप में उन चारों पर हमला करता तो रॉब नहीं मरता और आज हम उसकी याद में यहाँ नहीं आते। इस बात पर ल्यूक गुस्से में डॉम को एक मुक्का मारकर आगे जाने लगता है और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। ये सब अब धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे हैं, पर हच सबको संभालने की कोशिश करता है। इसी बीच इन्हें जमीन में एक टेंट खड़ा हुआ मिलता है, जिसके अंदर से इन्हें एक फैमिली फोटो मिलती है। ये फोटो 1967 की थी, यानी ये फैमिली भी यहाँ इन चारों की तरह ही यहाँ पर आई थी, लेकिन वो मारी गई। सब इस चीज को देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। धीरे धीरे अब रात भी होने लगी थी। हज सबसे इसी जगह पर अपना टेंट लगाने को कहता है। उसी रात ल्यूक को फिर से रॉब की मौत वाला नाइटमेयर आता है, पर इस बार एक पीली आंखों वाला चोर उसको डरपोक कहता है। इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है और उसे बाहर फिल के चिल्लाने की बहुत जोर से आवाज आती है। फिल ल्यूक को बताता है कि एक बड़ा सा क्रिएचर हज को उठा कर ले गया, उसने ये अपनी आंखों से देखा। इतने में जंगल से हज के चिल्लाने की आवाज आती है। ये तीनों फौरन उसको बचाने के लिए उसकी आवाज के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से ये अपने टेंट तक वापस जाने का रास्ता भी भूल जाते हैं। पर तभी इन्हें हज की बॉडी उसी हिरन की तरह पेड़ पर लटकी हुई मिलती है, जिसका पूरा शरीर बीच में से फटा हुआ था। ये तीनों हज की ये हालत नहीं देख पाते और रोने लगते हैं। ये सीन देखने में बहुत खौफनाक लगता है। डॉम और ल्यूक उसकी बॉडी को पेड़ से उतारकर जमीन में दफना देते हैं और रोते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ल्यूक यहां से इन दोनों को लीड करता है। वो कहता है कि हमें इस दिशा में जल्द से जल्द सीधा चलना होगा, तभी हम इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे, वरना हज की तरह हमारी भी मौत तय है, क्योंकि वो मॉन्स्टर या क्रिएचर हमारे नाइटमेयर से निकल के हमारा पीछा कर रही है। ल्यूक एक बार फिर से ऊंचाई पर जाकर देखता है कि वो अभी कितना दूर है, पर इस बार ल्यूक को जंगल का एंड दिख जाता है, जिसको देखकर उसके अंदर जिंदगी की एक उम्मीद दिखाई देती है। पर इतने में ही ल्यूक के एक और दोस्त को वो क्रिएचर उठाकर ले जाता है। ल्यूक उसको बचाने के लिए भागता है, पर अंधेरा काफी होने की वजह से वो एक पेड़ से टकराकर फिर से अपने उसी सपने में चला जाता है जिसमें उसने रॉब को मरते हुए देखा था। पर इस बार ल्यूक हारता नहीं है, वो अपने सपने पर काबू कर लेता है और उससे बाहर निकलकर अपने दोस्त डॉम को आवाज मारता है, जो एक पेड़ के पीछे छुपा था। ये भी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने उस क्रिएचर को देखा जो फिल ले गया, जिस पर डॉम बोलता है कि वो काफी फास्ट है इसलिए मैं उसको नहीं देख पाया। मुझे माफ कर दो, मैं काफी डर चुका था इसीलिए फिल को बचाने नहीं गया। वो क्रिएचर अभी भी यही था, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों हिम्मत करके आगे की ओर भागते हैं, जहां आगे पेड़ पर इन्हें अपने दोस्त फिल की बॉडी भी हज की तरह ही लटकी और फटी हुई मिलती है। ये दोनों जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं और फिर आगे की ओर भागने लगते हैं और वहां मौजूद एक केबिन में पहुंच जाते हैं, जिसके रास्ते पर चारों तरफ आग जली हुई होती है। उस केबिन में ही देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी किसी गॉड की पूजा कर रही है। इतने में ही कोई इनके सर पर मारकर इनको बेहोश कर देता है और जब इन दोनों की आंखें खुलती हैं तो ये अपने आप को एक रूम के अंदर बंधा हो पाते हैं। ल्यूक रूम से बाहर देखता है, जहां पर काफी सारे लोग एक क्रॉस जैसी चीज को बनाकर उसे जमीन में गाड़ देते हैं। तभी इनके पास वो ओल्ड लेडी आती है जो उस देवता की पूजा कर रही थी। वो ल्यूक के सीने पर उन उंगलियों से बने गड्ढों को देखती है और अपने सीने पर भी वैसे ही निशान दिखाती है, जिसके बाद वो डॉम को भी चेक करती है, पर उसके सीने पर ऐसा कोई निशान नहीं है, जिसकी वजह से वो ओल्ड लेडी डॉम को पीने के लिए पानी भी नहीं देती, बल्कि दो आदमी उसको ले जाते हैं और काफी मारकर वापस यहीं बांध देते हैं। ल्यूक उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर वो बताता है कि ये लोग उसकी बलि देने वाले हैं। असल में ये सब उसने अपने केबिन वाले नाइटमेयर में देखा था कि ये लोग उसकी बलि दे रहे हैं और उसकी वाइफ भी उस वक्त उसके साथ होती है, और थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है। ये लोग डॉम को बलि के लिए ले जाकर उस क्रॉस पर बांध देते हैं और ओल्ड स्वीडिश लैंग्वेज में मंत्र को पढ़ने लगते हैं। हम यहाँ के पेड़ों पर लोगों की लाशें लटके हुए भी देखते हैं। उसी वक्त डॉम को जंगल से उसकी वाइफ आते हुए दिखाई देती है, जो उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़ लेती है, पर ये सिर्फ एक वहम था जो डॉम को दिखाई दे रहा है। असल में ये उसकी वाइफ नहीं, वो क्रिएचर होता है जो उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये क्रिएचर देखने में काफी डरावना और लंबा है।
इस कबीले के सभी लोग उस क्रिएचर के आगे अपना सर झुकाते हैं, जिसके बाद ये क्रिएचर डॉम को भी बाकी लोगों की तरह ही पेड़ पर लटका देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। ल्यूक भी इस मंजर को अंदर से देख रहा होता है। डॉम की मौत को देखकर वो गुस्से में अपना अंगूठा तोड़कर अपने हाथ से वो रस्सी खोल लेता है। इसी बीच एक लड़की यहाँ पर आती है, जिसको ल्यूक ऐसा दिखाता है जैसे उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। वो उस लड़की से पूछता है कि वो क्रिएचर क्या चीज है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो एक एंशिएंट गॉड है, हम लोग उसका नाम नहीं लेते, असल में वो लोके की नाजायज औलाद है। जिस पर ल्यूक बोलता है कि तुम लोग उससे डरते हो। लड़की बताती है कि हम लोग उसकी पूजा करते हैं, जिसकी वजह से वो हमको यहाँ पर जंगल में रहने देता है और हमें अमर बनाता है। हम हर साल उसे कुछ लोगों की बलि देते हैं, जिनमें से वो एक को चुनता है और इस बार वो एक तुम हो। अब तुम्हें हमारे साथ यहाँ रहकर उसकी पूजा करनी होगी। आज रात को तुम्हारा एक रिचुअल होगा, जहाँ पर तुम्हें उस गॉड के आगे अपना सर झुकाकर उसकी पूजा करनी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुमको भी पेड़ पर मार के लटका देगा। जिस पर ल्यूक पूछता है कि उस क्रिएचर ने उसको ही क्यों चुना। वो लड़की बताती है कि उसके सभी दोस्तों में उसका दर्द सबसे ज्यादा है, वो अंदर ही अंदर किसी दर्द से जूझ रहा है। वो क्रिएचर ऐसे ही लोगों को चुनता है। उस लड़की के जाते ही ल्यूक इस रूम से भागकर कोई हथियार ढूंढने लगता है। वो गलती से इस केबिन के ऊपर वाले रूम में पहुंच जाता है, जहां पर काफी सारी डेड बॉडीज होती है। जहां हम देखते हैं कि ये डेड बॉडीज अभी भी जिंदा है, शायद ये उस क्रिएचर की वजह से मरने के बाद भी नहीं मरी। ल्यूक इन सभी बॉडीज में आग लगाकर नीचे आ जाता है, पर वो ओल्ड लेडी उसको देख लेती है। ल्यूक उसको एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। वो अपने सामने आने वाले हर एक आदमी को भी गोली से मारकर इस केबिन से बाहर निकल जाता है। इसी बीच उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि उन डेड बॉडीज में किसी ने आग लगा दी है। वो फौरन उस केबिन के पास आता है। सभी लोग उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन वो लड़की गलती से उस क्रिएचर की आंखों में देख लेती है, जिसकी वजह से वो उस लड़की की आंख ही बाहर निकाल देता है। ल्यूक पहली बार उस क्रिएचर को सही से देख रहा था। वो देखता है कि उस क्रिएचर के चार पैर और दो हाथ हैं। वो देखने में काफी डरावना है, इसलिए ल्यूक डरते हुए उस क्रिएचर को गोली मारता है, पर गोली का उस पर कोई असर नहीं होता और वो क्रिएचर ल्यूक के पीछे भागने लगता है। उसी वक्त ल्यूक को फिर से वही नाइटमेयर आता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर उसको पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों में उठाकर जमीन पर पटक देता है। ल्यूक उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसके सर को जमीन पर नीचे लगा देता है। वो क्रिएचर ल्यूक को अपने आगे झुकाना चाहता है, लेकिन तभी ल्यूक को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है, जिसे उठाकर वो उसके सर में घुसा देता है और भागने लगता है। उस क्रिएचर को उस हमले से ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन ल्यूक इसका फायदा उठाकर जंगल से बाहर निकल आता है, जहां हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस जंगल से बाहर नहीं आ पाता। मतलब वो जंगल उसकी सीमा है, वो उससे बाहर नहीं आ सकता। क्रिएचर ल्यूक को देखकर जोर से दहाड़ने लगता है, जिस पर ल्यूक भी उसको देखकर दहाड़ता है और बोलता है कि वो उसके आगे कभी भी नहीं झुकेगा। और ल्यूक के इतना कहते ही वहां पर सुबह होने लगती है। इन चारों दोस्तों में सिर्फ ल्यूक ही जिंदा बचता है, और अब थोड़ी दूर चलने के बाद ल्यूक को आखिरकार रोड दिखाई दे जाती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ल्यूक के जज्बे की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वेल, अगर यही जज्बा उस दिन ल्यूक ने दिखाया होता तो शायद वो अपने दोस्त को बचा पाता, लेकिन ल्यूक की कायरता ने उसके दोस्त की जान ले ली। खैर, ये उसकी डेस्टिनी थी, क्योंकि अगर वो वहाँ पर नहीं मरता तो शायद ये क्रिएचर उसको यहाँ मार देता। बाकी आप हमको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।